हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ कर लें। किस चीज़ का इंतज़ार है? अच्छा जी, तो दूसरी चीज़ ये है कि आज मैं आपको बताऊँगी, आपने कैप्शन में पढ़ लिया है, मैं आपको क्या बताऊँगी, लेकिन मैं अपनी ज़बानी भी बता देती हूँ। आज जो है मैं आपको बताऊँगी हाउ वी कैन कलर हेयर बाय यूजिंग स्ट्रेटनर, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ये बातें बताने लगी हूँ कि स्ट्रेटनर से बाल कर्ल करने के कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं कि एक तो बहुत जल्दी आपके बाल कर्ल हो जाते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके बाल जो आपने स्ट्रेटनर से कर्ल किए होते हैं वो बहुत देर तक स्टे करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई यूज़ टू कर्ल माई हेयर विद अ कर्लर, बट वो मेरे इतने स्टे नहीं करते थे, बट एज़ कम्पेयर टू कर्लर आई स्टार्टेड कर्लिंग माई हेयर विद स्ट्रेटनर, तो वो बहुत देर तक स्टे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और क्या होता है कि ऐसा नहीं कर्लर से भी स्ट्रेट नहीं कर, मतलब कर्ल नहीं होते, ऑफ कोर्स होते हैं, वो बनी एक चीज़ इसलिए, बट स्ट्रेटनर से जो कर्ल्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को ना बहुत ख्याल रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आप एक तो हीट यूज़ कर रहे हैं और आपके बाल बहुत डैमेज होते हैं हीट से, ठीक है। तो आप अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑयलिंग करें, बहुत फ़ायदेमंद है ऑयलिंग। मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है आपके बालों के लिए। दूसरा, जो हीट प्रोटेक्टिंग सीरम्स होते हैं वो अप्लाई करें, वो आपके बालों को बहुत सेव करते हैं, या स्प्रे होते हैं। और बिफोर वॉश योर हेयर ओवरनाइट के लिए अपने बालों में ऑयल लगाएं, डू ट्वाइस इन अ वीक एटलीस्ट, बहुत फ़ायदेमंद होता है ऑयल। अब मैं जो है अपने बालों को कर्ल्स करना स्टार्ट करूँगी स्ट्रेटनर से, और अब मैं अपने बालों की पार्टीशन कर रही हूँ। मैं अपनी साइड पार्टीशन ही रखूँगी, तो उसके लिए मैं अपने बालों को ऐसे करके, जो ऊपर ऊपर वाले मेरे बाल हैं उनको मैं एक क्लिप से। अच्छा, आप जो है कोई भी हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम्स यूज़ करें, लाजमी, मेरे पास नहीं है, फिनिश हो गया मेरा, बट अभी मैं ये, मेरे पास सीरम है कंट्रोल फ्रिज लिबॉन का है, तो मैं इसको थोड़ा सा लेके अपने बालों में लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इफ़ यू वॉन्ट टू कर्ल योर हेयर और यू वॉन्ट इट टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो डू वन थिंग कि वेन यू वॉन्ट टू कर्ल योर हेयर, तो कोशिश करें कि टेक शावर बिफोर वन डे। क्यों? क्योंकि इफ़ यू विल टेक शावर डैट डे वेन यू वॉन्ट टू कर्ल योर हेयर, तो उससे ये नुकसान होगा कि आपके बालों में कर्ल स्टे नहीं करेगा। आप, मेरा ये एक्सपीरियंस है बहुत वो, और वेन एवर आई वेंट टू सलोन फॉर कर्ल्स फॉर एनी हेयर स्टाइल वगैरह, तो दे ऑलवेज प्रेफर मी कि आप जो है अपने बालों को एक दिन पहले वॉश करके आया करें, वरना आपका हेयर स्टाइल वगैरह और कर्ल्स वगैरह स्टे नहीं करते। तो रिमेंबर दिस, ऑलवेज वॉश योर हेयर बिफोर वन डे, थोड़ा स्टे भी अच्छे कर देते हैं। अगर वैसे भी लोगों के कर जाते हैं, बट इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने सुना भी है, तो मेरा काम है आप लोगों से शेयर करना। तो ठीक है, अब मैं अपने बालों का ये चंक लूँगी। आई एम यूजिंग दिस रेवलॉन स्ट्रेटनर, ये मैंने अपने पहले स्ट्रेटनर की वीडियो में भी किया था, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका नंबर मेंशन कर दूंगी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अपने स्ट्रेटनर को ऐसे रखूँगी और पीछे से बालों को इधर आगे ला के ऐसे करके इनको नीचे की तरफ प्रेस कर करके लेती जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप डेली यूज़ ये करते हैं ना, तो आप अपने ग्लव्स ले लें जो हीट वाले होते हैं, वरना फिर अक्सर हाथ भी जल जाता है, मेरा तो मोस्टली जल जाता है। ये देखिए जी, हमारे पास कर्ल्स आते हैं, और अब इसी तरह मैं और चंक्स को लेके करती जाऊंगी। मैं इसको पीछे कर रही हूँ, मुझे बाल नहीं है इसलिए। तो यू गाइस कैन सी, मैंने यहाँ से अपने बालों को कर्ल कर लिया। अब जो है मैं इन बालों को पूरा पीछे करके, जो मेरे पहले वाले बाल थे जो मैंने उनको बंद कर दिया था, उनको मैं आगे करूँगी। ये देखिए, मैंने अपने बालों को आगे कर लिया है, और अब मैं फिर से थोड़ा पीछे पीछे से ही चंक्स लेके करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे बाल ताकि पीछे ही जाते रहें। सेम मैंने ऐसे रखा है इसको, अंदर बालों को करके इसको मैं नीचे की तरफ ले कराऊंगी। थोड़ा सा प्रेशर देके प्रेस करके लाइएगा। यू गाइस कैन सी कि मेरी सिर्फ ये दो चंक्स जो हैं रह गई हैं, और ये मेरी फ्रंट की चंक्स थी, तो मैंने इनको कहा कि मैं अलग से और थोड़ा सा डिटेल बता दूं। फ्रंट की जो चंक्स होती हैं, ऑफकोर्स आपका फ्रंट जो है अच्छा लगना चाहिए, मैं इन बालों को पीछे कर दूं, तो फ्रंट के लिए आप सेम वैसे ही रखेंगे, नीचे से ला के बाद में अंदर लेके जाएंगे, और इसको इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से लेकर आएंगे। इससे ये होगा कि जिस डायरेक्शन में आपके बाल होंगे,
देखेंगे ये हो गए कर्ल्स, इस तरफ के बाल मेरे हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं ये वाली जो साइड में रह गई है ये वाली चंक, एक तो मैं हल्का सा यदि चंक लेके अलग से करूँगी, इसको भी मैं ऐसे ऊपर से रखकर वैसे ही जैसे अंदर लेके गई थी और ऐसे नीचे, उसमें मैं नॉर्मली कर रही थी लेकिन मैं इसको इस तरह नीचे रख के कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये फ्रंट है, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है ब्लो ड्राई वाला लुक आता है। सॉरी यू गाइस कांट सी मी, इसमें ऐसा लगेगा आपने फ्रंट ब्लो ड्राई करवाया हुआ, बहुत खूबसूरत लगता है फ्रंट से ये। Now I will show you all के how my hair look. They look so beautiful. और ये जो फ्रंट से के जो आ गया है, अगर आप लोग चाहें तो इन बालों को मतलब एक कोम करके या फिंगर कोम करके भी खोल सकते हैं। मेरे हेयर कर्ल्स बहुत अच्छे कर्ल्स हुए हैं और अगर आप लोग चाहें तो इस पर हेयर स्प्रे भी कर सकते हैं बहुत हल्का हल्का, मैं नहीं कर रही, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे ये भी स्टे कर जाएंगे काफ़ी देर पर। दिस इज़ हाउ आई डू माई कर्ल्स विद स्ट्रेटनर। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।